ऐश्वर्यमयी भक्ति और एक माधुर्यमयी भक्ति, दो तरह का भक्त है।
लेकिन कृष्ण माधुर्यमयी भक्ति को द्वारा जितने संतुष्ट होते हैं ऐश्वर्यमयी भक्ति को द्वारा उतना संतुष्ट नहीं होते हैं। इसलिए कृष्ण का जो ऐश्वर्य परम जैसे भक्त है, नारद जी है, ब्रह्मा है, भीष्म है, श्री शंकर जी है, ये शंकर जी यदि भगवान के ये ऐश्वर्यमय भक्ति अर्थ बोलो तेरा भगवान कृष्ण मान इन बोले भगवान इन्हीं बोले भगवान इन्हीं किंतु इधर प्रेम तो भगवान बसीभूत हैं तो तब तो बसीभूत है जब इनके प्रेम में तो कृष्ण बसीभूत होते हैं लेकिन उतना बसीभूत नहीं होते हैं उतना बसीभूत नहीं होते हैं है? जैसे कृष्ण सखाओं के साथ में खेलते हैं सखाओं के साथ में है उनका झूठा खाते हैं कभी शंकर जी का झूठा खाएंगे कभी शंकर जी कभी झूठा देंगे ब्रह्मा को भी झूठा देंगे नारद को भी झूठा देंगे वो काम करेंगे भगवान को झूठा देंगे हम क्या नरक जाएंगे हैं लेकिन सखा लोग क्या करते हैं अगर किसी ऊपर कोई फल लटक रहा है नीचे दो तीन सखा उसको ऊपर एक दो सखा उसको ऊपर और एक सखा चढ़ गए चढ़ करके फल को उतार लिया जो ऊपर जो सखा था उसने एक बार खा लिया फल को खा करके उसको नीचे दिया सखा को नीचे दिया तो उसने भी खा लिया पहले उसने और नीचे दिया उसने भी खा लिया जब कृष्ण के पास में पहुंचता ना गुठली पहुंचता कृष्ण के पास में ऊपर तो फल शेष हो गया और गुठली कृष्ण चाट चाट कर आम तक पहुंच जाते बोले बड़ा मीठो फल है फल बड़ा मीठो है क्या ब्रह्मा जी इन्हें कम करे हुए बुझते बार से तो एकता सखा किए जो फल आधा किए फल से आर कृष्णा बोर्ड तक छिने नहीं किए नहीं चे এখানে কৃষ্ণের কাছে যখন পৌঁছে না আঠিটা পৌঁছেছে ওর কাছে কিছুই নেই আর কৃষ্ণ ওই সাই চেটে চেটে খাচ্ছে না রে আমটা খুব মিষ্টি ছিল হ্যাঁ তোমরা সব খেয়ে নিলে হ্যাঁ আমটা খুব মিষ্টি ছিল তোমরা সব খেয়ে নিলে বলে তিনি যারা ঐশ্বর্য পরক ব্রহ্মা শিব নারদ আদি যে ভক্তরা আছে কৃষ্ণ কখনো তাদের এখন দিবে না আর কৃষ্ণ কখনো এঠ খাবে না এজনে কৃষ্ণ বলছে আমি প্রেমের দ্বারা বিশেষ করে ব্রজবাসীদের ভক্তিতে আমি যতটুকু তাদের সন্তুষ্ট প্রেমিত বসিত হই ঐশ্বর্য পরক ভক্তদের কাছে আমি তত বসিত হই না হ্যাঁ এজনে যদি কবি কৃষ্ণ আর সখাওয়ং কে সাথ মে লড়াই হোতা হ্যায় কুস্তি হোতা হ্যায় বা কোই খেল হোতা হ্যায় जो हार जाएगा ना एक दूसरे को कंधे पर बैठना पड़ेगा जो हार जाएगा एक दूसरे को कंधे में बैठना पड़ेगा एक हार अभी श्रीदाम हार गया कन्या बोले घोड़ा पर और श्रीदाम कृष्ण को कंधे पर घोड़े बन करके बोले यहाँ से वहां तक कहाँ से बोले माठ बन से भांडीर बट तक लेना पड़ेगा माठ बन से भांडिर बट तक तुमको लेना पड़ेगा अभी सिद्धार्थ ने कृष्ण को कंधे बैठा है लेके फिर दो बार खेल खेल होते कृष्ण ही हार गए सिद्धार्थ ने कहा कन्हैया घोड़ा बन तू घोड़ा बन सेकंड मैच बोले मैं नहीं घोड़ा बनता बोले घोड़ा नहीं बन बोले नहीं बोले सखा उसको अकेले कर दो इससे कोई बात नहीं करना आज से अगर कोई सखा खेलते हुए होंगे अगर किसी व्यक्ति को अलग कर दो इससे कोई बात नहीं करना जब हमारी बारी आई हमें तो घोड़ा बना दिया जब इसकी बारी आई बोले घोड़ा ही नहीं बनेगा अगले का इसको कोई बात नहीं करना कृष्णा जब सुने हमें बात नहीं करेंगे बोले भैया ऐसे मत करो हाथ जोड़ दे मैं घोड़ा बन जाऊंगा मेरे कंधे पर बैठ जा लेकिन मेरे को अकेला मत करो देखो भगवान कितने भक्तों का प्रेम में बसीभूत है कृष्ण को अकेले कर दिया तो बोले भैया मेरे को अकेले मत क्या करो मैं घोड़ा बन जाऊंगा लेकिन घोड़ा बन जाओगे लेकिन मेरे को अकेले मत करो कृष्ण कभी जरा भगवान के भगवान मन करे भजन करे कृष्ण कभी भी उनका प्रेम नहीं कृष्ण को कोई घोड़ा बना सकता कहते ब्रह्मा भी कहते ना यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति नतब्र नखाग्र मरीचि ब्रह्मा तो घोड़े क्या बनेंगे हैं कृष्ण को घोड़ा क्या बनाएगा यद्यपि समाधिषु ब्रह्मा इतने सालों से कृष्ण को पाने के लिए तपस्या करते हैं
लेकिन उनका दर्शन की तो बात छोड़ दो, कभी उनकी चरण की नख की छटा तक को भी ये दर्शन नहीं कर पाते हैं। ब्रह्मा जी के लिए है, ब्रह्मा जी के लिए, शंकर जी के लिए इतने दुर्लभ है, इतने दुर्लभ है कृष्णा। इसलिए एक समय देखो कितने शंकर ब्रह्मा के लिए कितना दुर्लभ है और कृष्ण ब्रजवासियों के लिए कितना सुलभ, बुझते बच्चन तो तिनी ब्रजवासी जने कत सुलभ किंतु ब्रह्मा शिवर जने कत दुर्लभ। तिनी जखन कृष्ण गोकुले जन्म ग्रहण करछे एकन शिव ठाकुर तिनी चिंता करछे, आमे तो गोपाल रे गोविंद रे सब लीला गुले देखे छी किंतु ए बाल गोपाल लीला दर्शन करके बारे हैं तो अनेक अवतार वत्स ब्रह्म वराह नृसिंह वामन परशुराम राम बलराम भूत कल्कि अनेक अवतार हम देखे किंतु गोविंद जे बाल लीला हम दर्शन करते पारी। अते शिव ठाकुर सोच रहे हैं कृष्ण का सब लीला हमने देखी लेकिन कृष्ण का बाल लीला नहीं देख पाए। अगर कृष्ण को जब कभी भूख लगे ना कृष्ण रोते हैं, फिर मैया जशोदा दूध पिलाती हैं। अगर मच्छर काटे तो कृष्ण भगा नहीं पाते, कृष्ण रोते हैं, मैया आकर के फिर वो मच्छर को मैया मारती है, हैं मच्छर को भगाती है। इसलिए कृष्ण का तो सब लीला हमने देखा लेकिन अभी तक बाल गोपाल लीला अभी हमने दर्शन नहीं कर पाए। इसलिए एक शिव ठाकुर इतनी सुंदर इतनी रूप धारण करी हस्ते अपना जाने शिवर की रकम रूप है एकन शिवर की रकम रूप सारा काय मध्य छाई माखा छ सारा शरीर में राख मले हुए गले में सर्प लटक रहा है बिच्छू जटा जूट है एकन शिव व्याघ्र चर्म इतनी पड़िया छे है व्याघ्र चर्म भयंकर शिव ठाकुर जी के देखे ना दौड़ाते आरंभ कर दिए। इसने शिव ठाकुर जी ने पिए करते ऐसे चले और हिमालय में मैं के पार्वती के वो रूप देखे जो तो भूत पिशाच संगी आर जन का आंधी तूफान से उठ समाय भय घर डूबी गए। बोरा मन कर चलो जामाई बाबू आस्ते स्वागत कर वो किंतु वो ना भय कर रूप देख सब डूबी गए बनते हैं। एक ने किंतु शिव ठाकुर के की बोला हुए थे बोले सत्यम शिवम सुंदर शिव को क्या बताया सत्यम शिवम सुंदर। लेकिन शंकर जी का जो ऊपर का जो ड्रेस है बड़ा भयंकर। अभी शिव ठाकुर एक गोपाल के दर्शन करते ऐसे जब दर्शन करते ऐसे एक शिव ठाकुर जो ने ऐसे एक गोपी बोले थे बोले बाबा तुम ही की चाओ बोले आमे सुन लाम तुम्हारे बाड़ी ते है गोपाल रे जन्म लिए छे बोले हमारे गोपाल रे जन्म जो तोर की हो छे तू की करती छे ऐसी बोले एक तो गोपाल के दर्शन करा दे हमारे गोपाल जी के दर्शन करा दे किंतु कुछ दिन पहले कृष्ण पुतना को मारे थे। पुतना वो तो बड़ी सुंदरी बनकर के आई थी बड़ी प्यारी बनकर के आई थी लेकिन क्या निकली वो निकली राक्षस निकली पुतना वो दैत्य राक्षस निकली भयंकर राक्षस निकली। इसलिए नंद बाबा ने बोल दिया खबरदार तेरे गेरे व्यक्तियों के अंदर में घुसने मत दिया करना है जब तक मैया जशोदा के आदेश नहीं हो अंदर में कोई घुस नहीं पाए। इसलिए बड़ा कड़ा पहरेदार वहाँ पर लगा हुआ बड़ी कड़ी पहरेदार लगा कर रख दिए। इतने में जब शंकर जी आए और दर्शन करने के लिए चाहते उनको गोपियों ने अंदर में आदेश नहीं दिया बोले पहले मैया को हम पूछ करके आते हैं। एक न माय के जिज्ञासा करते कि बोले माँ उठा तेरा साधु बाबा इससे बोल से गोपाल के दर्शन करवे किंतु ओके ही देखना हमारा भय भी ले ची है बोला एक मुंडन माला अस्थि माला सारा शरीर साफ जटा जूट छाई में क्या चल एक न माँ जसमती बाहर बनी है इससे जैसे देखे शिव को देखे तो भय भी किसी माँ जसोदा बोले बाबा तुम्हारे की चाहिए बोले हमने सुन ला तुम्हारे बाड़ी से गोपाल रे जन्म लिए छे बोले गोपाल जन्म ने जो तोर की हो छे हमारे बाड़ी से ये को जन्म ने तोर की हो जी तू की करती जैसी बोले एक तो गोपाल के दर्शन करा दे बाला आशीर्वाद दे ओके खूब बाला आशीर्वाद दे बोले बाबा इस दुनिया आगे उतना ऐसे ही छिलो वो तो देखते खूब सुंदर छिलो और बेरेल राक्षसी आज तू तो देखते ही एकदम लाग जो तुम्हारे देखे आगे तो भय भी है हमारे गोपाल के तो मैं छोटो और और ऊपर ना खूब तारा तक नजर का ले जाएगी
है त्वरित नजर ले जाए हर गोपाल घुमा बिना रात्रि भर गोपाल कारना काटी करवे गोपाल गोपाल ने दर्शन आवे ना यदि सोना चांदी हीरा मुक्ता नीचे जाओ नाव नीचे रास्ता दे एक हम जो हम बोले दिए थे एक हमने सी ठाकुर बोले हे भगवान तेरी की बोलते ने आमा के गोपाल के भय बाद वो जाने ना गोपाल के जार नामे हैं नीचे स्वयं भय के जार नामे है हाँ स्वयं विभेति जार नामे स्वयं भय तिनी भय बाद जार नाम सुने तार गता छेड़े तार तार भक्तर नाम सुने भय 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 काल भय काल अब तिनी की बोलते ने आमा के तेरे डर जाए हैं अभी सोच रहे हैं जिनकी डर से स्वयं जब भी डरते हैं लेकिन मैया क्या कहती हैं मेरे लाला अभी छोटो सा है अगर तुम उनको पर बड़े जल्दी नजर लग जाती है अगर नजर लग जाएगा तो फिर रात भर रोएगा सोएगा नहीं इसलिए लाला की दर्शन नहीं सोना चांदी हीरे जवाहरात जो कुछ लेना जाओ और अपना रास्ता देखो शंकर जी तो वहीं पर धुन रमा करके हैं धुन रमा करके बैठ गए बस्तुवार्षण तो बैठने आगुन जाली है हम वही खाने बसे गए चिकन मार सिख ठाकुर बल से जब हम आमी तो खुन जाओ जब हम गोपाल बड़ा हबे जब हम बड़े हबे घर ते बेरी बे घर के ते बेरी बे बेरी ले तो हम दर्शन ना हबे तो कन मार जसो दोष बल चावल एक तर बार ने चार तर दर्जा चावल हमारे गोपाल वही दिके दर्जा दे बेर करे बना हैं वही दिके दे बेर करे बना तुम वही दिके दर्शन करे बना बेर करे बना हमारे चार तर दर्जा तो पीछे दर्जा तो गोपाल को बेर करो सीफ जाल को बोलते नामी पीछे ना एक तर रूप नहीं बन जाओ छाड़ बना ये जने नंदन राम के देखे बना आशीष्वर महादेव हैं सेखाने नंदीश्वर महादेव सेखाने जोगिया कुंड ओकान देवर चार दिन सी बोले तुम जो जेती के बेर कर के गोपाल को वही दिन दर्शन करो ये जने सी तीन की पर्चे चार दरवाजा की वसीले से हाँ भी गोपाल को छाड़ बना अभी देखे छाड़ बना एक अन भैया जसोदा कहती हैं लाला को मैं दर्शन नहीं कराऊंगी बोले कब तक घर में रखोगे इसलिए शंकर जी धुन जब रमा करके आग जला करके वहीं पर बैठ गए बोले कृष्ण जब बड़े होंगे तो घर से बाहर निकलेंगे कि नहीं और निकलेंगे जब निकलेंगे तब दर्शन कर दूंगा मैया कहती है मेरे एक दरवाजा नहीं मेरे चार दरवाजा है हैं मैं पीछे दरवाजे से निकाल दूंगा कन्हैया को इधर से आएगा नहीं इसलिए शंकर जी ने कहा मैं चार तरफ में चार रूप में बैठ जाऊंगा छोड़ूंगा नहीं पर लाला को देख कर ही छोड़ूंगा एक माँ जसोमती एक अभी अभी अंदर में मैया जसोदा गई जब गई ना देखा कृष्ण कौन है शंकर जी है कौन बोले वैष्णव नाम जपा संभो वैष्णव में अग्रगण्य श्री शंकर जी इनके बगैर प्रभु का कोई लीला ही नहीं होता है यह हर अवतार में भगवत सेवा करने के लिए शंकर जी आते जब राम रूप में आए शंकर जी ने देखा ये शरीर से प्रभु राम की सेवा में नहीं कर पाऊंगा इसलिए बोले रुद्र देहत जिन्हें बस बानर भय हनुमान इसलिए शंकर जी कृष्ण राम सेवा के लिए उनने शंकर जी के रूप को त्याग दे करके वो बंदर बन करके आए इसलिए हनुमान बन करके आए जब कृष्ण रूप में आए शंकर जी गोपी बन करके गोपीश्वर रूप में आए जब श्रीमान महाप्रभु का रूप में आए शंकर जी से अद्वैत आचार्य बन करके आए और वृंदावन में यहाँ पर रास में तो शंकर जी का प्रवेश नहीं हुआ श्री कृष्ण बोले देखो श्री जी जब मैं महाप्रभु का रूप में नवद्वीप में दर्शन ग्रहण करूंगा सच्ची माँ के लाला बन करके हैं श्री जगन्नाथ मिश्र के लाला बन करके अभी तो तुम ये रास में नहीं प्रवेश कर पाए तुम नवद्वीप में संकीर्तन रूपी रास में तुम्हारा प्रवेश होगा हम दोनों गले में गलबेलिया दे करके निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि हम संकीर्तन रूपी रास में तुम्हारे प्रवेश होगा इसलिए श्रीमान महाप्रभु नित्यानंद अद्वैताचार्य गदाधर पंडित ये सबको लेकर के श्री श्रीवास अंगन में नवद्वीप के श्रीवास अंगन में सबके भैया बोले श्री हरि वास हरि हरि कीर्तन विधान नृत्य आरभिला प्रभु जगतेर प्राण
महाप्रभु सब भक्तों को लेकर के संकीर्तन रूपिरास में नित्य कीर्तन करते थे। इसलिए कलयुग में भगवान का कीर्तन ही कलयुग में ये रास है, यही रास है। इसलिए शंकर जी हर अवतार में शंकर जी भगवान की सेवा करते हैं। इनकी वजह से श्रीमन महाप्रभु कतना सुतिया अच्छिन्न खीर समुद्र सागरे निद्रा भंग हैल मर नारा ओंकारे। अद्वैत आचार्य जब तुलसी दल और गंगा पानी को देख करके श्रीमन महाप्रभु का आह्वान किया, महाप्रभु वैकुंठ छोड़ करके गोलक वृंदावन स्वर्ग दीप छोड़ करके श्री नवद्वीप में श्री सचिनंदन श्री गौर हरि बन करके आते हैं। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्रीमन नित्यानंद प्रभु की, पंच तत्व की। ऐसे शिव ठाकुर छड़ा भगवान ने कोनो लीला ही प्रत्येक अवतार शिव तिनी विभिन्न रूप धारण कर शिव ठाकुर तिनी प्रत्येक अवतार तिनी आसे। ऐसे रामा अवतार तिनी हनुमान, कृष्ण अवतार शिव ठाकुर गोपी बने आले, और महाप्रभु अवतार तिनी किवा बेले बोलो अद्वैत आचार्य बाबा मते बांगाली मायरा बाबा ना बड़ बड़ पंडित आसे संगे संगे बोले। ऐसे तिनी अद्वैत आचार्य स्तुति नियले। ऐसे कृष्ण होले ने तिनी भक्त वत्सल, तिनी होले करुणा सिंधु दीन बंधु। एकन शिव ठाकुर तिनी कृष्ण के एकन कृष्ण शिव ठाकुर के दर्शन जुटी जाए छे। हमारे भक्त इतो दूर तक ऐसे हमारे दर्शन करता के दर्शन देवो ना ताकि हमें दर्शन देवो। ऐसे कृष्ण तिनी की कर छनी खूब जोर तिनी कामना कर करता हम लोग कर छे। एको ना माता के बुझावार जे चेष्टा कर छे, क्योंकि जब तो बुझा के चाहे ना मार गोपाल ने कामना का डियार बंद है ना, तब तो जोर जोर में कामना काटी करे पूरा परिवार और कामना काटी थे पूरा परिवार दब हो गया। गोपाल के दर्शन ना करावे आमी एकांते का सर्व ना हटवे ना के करते। अरे एक रूप नहीं तू बच्चो इधर जड़े पैर करेबे ना तो चार दिन बसी गई चार की हो गई छे। I will not leave. But check on the road here, very good. Gopal Khan, take a walk. I don't know if you are Gopal Khan. If you are Darshan Kuram, that's what I'm going to say. We saw the Amosu, we say, which would have come to come for what say. Agent is about Gopal Khan, not just like you say. Agent of Kanda, that you are Sijao, you are Darshan Kuram. So that's why he's a good year. They go. लगता है वो बाबा बैठी करके आंख बंद करके बैठा हुआ और अंदर अंदर में कुछ मंत्र जप कर रहे हैं और तेरे लाला के ऊपर में कोई जादू पड़ा कर दिया, इसलिए तेरे लाला का रोना बंद नहीं हो रहा है। हाँ जितने तप तप लगा उतना जोर जोर से वो रो रहा है। एक बार उनको दर्शन करा दो। तब मैया जसोदा बड़ी कष्ट से काले कपड़े से ओढ़ करके मोटी मोटी उन्हें काजल लगा दी, काजल का बूंद लगा दी, गले में काला धागा बांध करके बड़ी कष्ट से वो लेकर के आती है कन्या। और केवल एक झलक, एक बार केवल सर के ऊपर से कपड़े को खोल दिखते जब शंकर जी को दर्शन देती है। अभी तक तो शंकर जी रो रहे थे, अभी तक शंकर जी हंस रहे थे और कृष्ण रो रहे थे, लेकिन जब उन्होंने केवल शंकर जी को दर्शन कराया ना, इतने में उल्टा हो गया। कृष्ण तो खिलखिला करके हा हा करके हंसने लगे और शंकर जी जब हंस रहे थे शंकर जी रोना शुरू कर दिया। मैया बोली भैया ये क्या हो गया, ये बाबा कुछ जानता है क्योंकि ये मेरे लाला का उसने तो रोना ले लिया और अपना हंसना दे दिया, मतलब ये बाबा कुछ जानता है। ये बाबा इतने में अगर माता को पता चलना ये बाबा कुछ जादू टोना जानते हैं, हाथ देखना जानते हैं, भैया माता है क्या चार तरफ में घिर जाए, बोले बाबा मेरे तरह हाथ देख लो, बताओ मेरे बेटा का शादी कब होगी, बेटी की शादी नहीं हो रही है तो ये बताओ चार तरफ में घिर जाएगी बाबा। अभी तो शंकर जी को घेर गए, बोले बाबा बताओ हाँ मेरे लाला के ऊपर में बड़ी चंद की नजर लगी जाती है, नजर उतारने के लिए कोई उपाय है कि नहीं।
বুঝতে পারছেন তো? আমার গোপাল কান্নাকাটি করছিল, কিন্তু একে দেখতেই তিনি জোর জোরে হাসতে আরম্ভ করে দিয়েছে। আর শিব ঠাকুর কি করছে, কান্নাকাটি করতে আরম্ভ করে দিয়েছে, মানে ইয়ে বাবা কিছু জানে আমার ছেলের তো কান্নাকাটা নিয়ে নিল, আর নিজের যে হাসাটা আমার গোপালকে দিয়ে দিয়েছে, ইয়ে বাবা কিছু জানে। আর যদি মায়েরা বুঝতে পারে না যে সাধু কিছু হাত দেখতে জানে, একটু জাদু টোনা করে, কি হয় ও মায়েরা ঘিরে যাবে, বলে বলো আমার মেয়েটা কোনো বিয়ে হবে, বাড়িতে এই অসুবিধা অসুবিধা, আমার একটা হালটা দেখো কি আছে না আছে, বুঝতে পারছেন তো? এখন এখন শিব ঠাকুর কে বলছেন, বাবা মেরে লালা উপরে বড় জলদি নজর লগ জাতি, কোই উপায় হে? বলে হ্যাঁ, আগে এক কাম করোগে না তেরে লালা কে উপর মেরে কবি ভি নজর নেই লাগেগা। বলে বতা দে ক্যা করনা পড়েগা। বলে দেখো, জব জব তুম তুম লালা কো তুম স্নান করাওগে, উসকা জো চরণামৃত হে, মেয়ে ইয়হি পর বৈঠ রহুগা, কহিঁ নেহি জাউঁগা, উসকি চরণামৃত কো মেরে লালা কে তুম লা করকে মেরে সর কে উপর মে ডাল দেনা, क्योंकि भगवान की जो चरणामृत ही वो गंगा है, कृष्ण का चरणामृत ये गंगा, क्योंकि ये गंगा शंकर जी की जटा में कौन से गंगा है, शंकर जी अपना जटा में गंगा को धारण किया, बोले क्यों, क्योंकि भगवान की चरणामृत है। देखना जो कावर है ना, कावर में भी जाते हैं कितने कितने दूर से, वहां गंगोत्री वहां से चल चल करके 8-10 दिन 15 दिन में जल को लेकर के लाते हैं और शंकर जी के सर के ऊपर डालते। बोले क्यों? बोले शंकर जी सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं अगर कोई ठाकुर जी की कोई चरणामृत खबर कोई दे, इसलिए शंकर सबसे ज्यादा प्रसन्न है। और वो बामन देव कौन है? बोले कृष्ण का अंश का अंश का अंश का अंश। कृष्ण कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है और उनकी चरणामृत की बड़ी दुर्लभ है, चरणामृत की बड़ी दुर्लभ है। इसके ঠিক আছে বাবা, তোমার মাথায় চরণামৃত রানী খেয়ে দাও, তোমার মাথায় খুশি হয়ে যাও তো? বলে হ্যাঁ খুশি হয়ে যাও। বলে আর কি করতে হবে বলো, আর কি করলে পরে একদম ছেলের উপরে নজর লাগবে না? বলে যে আর একটা কাজ কর না, একদম তোমার ছেলের কে কিছু করতে হবে। বলে বলো কি করতে হবে? আর একটা কাজ হলো, যখন তুমি তোমার ছেলেকে তুমি খাওয়াবে, হ্যাঁ যখন তোমার ছেলেকে খাওয়াবে না, ওই প্লেটের মধ্যে যেটা বেঁচে যাবে তুমি ওই প্রসাদটা এনে আমাকে দিয়ে দিবে। মানে ভগবান যখন কোনো বস্তু গ্রহণ করে এটা হলো প্রসাদ, যখন ওই বস্তুকে কেউ ভক্ত গ্রহণ করে ওর কি নাম হয়ে যাবে? মহা মহা প্রসাদ হবে। এই জন্য শিব ঠাকুর তিনি শিক্ষা দিচ্ছে, আমি সব থেকে কিসে প্রসন্ন হই? যদি তুই ভগবান এর প্রসাদ দি, অর্থাৎ চরণামৃত দি, তার চরণামৃত আর যদি কেউ প্রসাদ আমাকে দিয়ে না, আমি সব থেকে ও তো প্রসন্ন হই। এ থেকে আর আমার প্রসন্নের বিষয় কিছু নেই, বুঝতে পারছেন তো? এই জন্য আমাদের যে বৈষ্ণবরা না, নিয়ম হলো শিবের কোন ডাইরেক্ট প্রসাদ খেতে নেই, শিবের ডাইরেক্ট যদি কেউ প্রসাদ খায় না তখন কুকুর হয়ে যেত, তাকে কুকুর রূপে জন্ম দিতে হবে। হ্যাঁ, এই জন্য শিব পুরাণে বলছে শিবের ডাইরেক্ট প্রসাদ খেতে নেই, শঙ্কর জি কি কই ভি ডাইরেক্ট প্রসাদ, হনুমান জি কি ভি কই ডাইরেক্ট প্রসাদ নেই খানি চাহিয়ে। ইসলিয়ে কিসকা প্রসাদ? পহলে ভগবান কো ভোগ লগাও, কৃষ্ণ কো নেই তো রাম কো ভোগ লগাও, ফির ও প্রসাদ কো ক্যা করো, ও প্রসাদ কো লেকর কে ফির কিসকো দো? ফির শঙ্কর জি কো হো, পার্বতী হো, और पार्वती गणेश जी हो और कार्तिक जी हो और हनुमान जी को हो, फिर वो प्रसाद फिर किसी भक्तों को दो, फिर वो प्रसाद नहीं वो महा महा प्रसाद हो जाता है। इसलिए वैष्णव लोग कहीं भी डायरेक्ट शंकर जी का प्रसाद नहीं पाते, लेकिन एक जगह पर शंकर जी का प्रसाद पाते हैं। आप बता सकते हो कहाँ प्रसाद पाते हैं? वैष्णव कुथाए डायरेक्ट शिवर प्रसाद पाए, केवल एक जगह प्रसाद पाए, बोल तो बारे में कुथाए बोलो के बोले हाथ जुड़ा माँ ठीक बोलते। भुवनेश्वर जिस लिंगराज मंदिर आछे,
Maharaj temple. Bhuvaneswar je Lingaraj mandir ache keval oi khane hi Vaishnavara prasad paaye wahi par keval Bhuvaneswar mein Lingaraj mandir mein prasad paate bole kyon wahan sabse pehle anant vasudev Basri Jagannath ko bhog lagta hai phir wo prasad kahan par aata hai Sri Shankar ki kripa se phir maha maha prasad ho gaya महाप्रसाद महा देखो आज का प्रश्न माँ देवी कोई भी माँ देवी की प्रसाद डायरेक्ट नहीं खाते लेकिन एक जगह पर खाते एक जगह कितना खाए केवल जगन्नाथ मंदिर में केवल वहीं पर पाते क्यों वहाँ पहले श्री जगन्नाथ जी को भोग लगता है फिर वो प्रसाद माँ देवी को पास में विमला को पास में फिर वो प्रसाद आता है प्रथमे काके भोग लगे जगन्नाथ तापर विमला देवी इजने महा महा प्रसाद इजने जगन्नाथ पुरुष प्रसाद बुलाएगा महाप्रसाद बुलाए लेकिन हमारा जमन प्रसाद कहे ना महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मे वैष्णवे सल्व पुण्यं पतंग राजन विश्वास ने विजय हमारा बोली महाप्रसादे गोविंदे हमारा प्रसाद बोली ना की बोली की बोली हमारे की कल महाप्रसाद कही ठीक है जगन्नाथ पुरी के बाहर हमारे की कल महाप्रसाद की करे वाला वाला नियम हलो नियम है जब ठाकुर जी का प्रसाद भोग लगता है सुन लो ध्यान से जब ठाकुर जी का प्रसाद भोग लगता है उसको बाद में जैसे ठाकुर जी का हाथ धुलानी चाहिए एकदम आचमनियम से राधा कृष्णा भ्याम बोलो करके फिर वो प्रसाद को एकदम महाप्रसादम ऐं गुरवे नमः इदम महाप्रसादम सर्व सखीभ्यो नमः सब सखियों को देते हैं कांसवर से पान ले सीख लो इदम महाप्रसादम पौर्णवासीभ्यो नमः इदम महाप्रसादम सर्व वृंदादेवे नमः इदम महाप्रसादम सर्व वैष्णव नमः हैं हमारा की करी प्रथमे कृष्ण प्रसाद पावर पर वही प्रसाद के हमारा की करी समस्त वैष्णव देर के गुरु देर के श्री पौर्णवासी वृंदादेवी सबको प्रसाद दे एकने प्रथम होलो प्रसाद जखन एदर अर्पित होलो प्रसाद नै बटा महा महा प्रसाद होइ गेलो एकने अपरावली महा प्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे एकने हमरा के प्रसाद में महा महा प्रसाद भए बुझतो बात तो एकने श्री ठाकुर एकने कृष्ण हैं बोल जदि तुम्हार छले कोई प्लेट में बदे जगह बेचे जावे कोई प्रसाद तू यदि हमारे दाव बस हमें प्रसन्न हो जाए खुशी हो जाए क्या कार्य है एक जने एक और रो देखे मैंने नंदग्राम थे नंदग्राम में हमारा जावो वो खाने देखे हुए वही देखने सीट था कर ठाकुर आज वही खाने और सीट था तो जब नंदीश्वर महादेव का काशी आज है काशी आज नंदीश्वर महादेव पास में नंदीश्वर महादेव जब ठाकुर जी को स्नान होता है वहां से एक नाली आया वो शंकर जी के मंदिर में वो जो चरणामृत शंकर जी के सर के ऊपर में वो चरणामृत डायरेक्ट ठाकुर जी के चरणामृत और ठाकुर जी का जब भोग होता है वो प्लेट अभी भी वो प्लेट कहाँ आता है वो प्लेट आता है श्री शंकर जी को नंदीश्वर महादेव के पास में पर शंकर अभी भी वहां बैठ करके शंकर जी ठाकुर जी के प्रसाद को अभी भी ग्रहण करते हैं अभी भी ग्रहण करते हैं मतलब एकोनो वही लीला है जब ठाकुर जी चरणामृत और सिंह ठाकुर माथा दिए हैं हां ठाकुर के भोग लगा पर कोई प्रसाद का ऐसे शिव का से प्रसाद भोग लगे शिव शिव प्रसाद पावार ने शिव से द्वापर युग थे के एकोनो से सिंह ठाकुर से खाने बसे अच्छे और ठाकुर के प्रसाद के तिनी ग्रहण कर छे एक जने एकाने बोल छे भगवान तिनी प्रेम मेरे द्वारा भगवान प्रेम को द्वारा जितने वशीभूत होते हैं और किसी को द्वारा इतना वशीभूत होने वो प्रेम कैसे इसलिए श्री सूरदास जी एक बड़ा सुंदर भजन गा सकते गा सकते सब सुंदर भजन गाए ये हमारे प्रभु एक सुंदर भजन आछे सूरदास तिनी बोल छे भगवान कौन कौन भक्तों को द्वारा कैसे कैसे वशीभूत होंगे मुस्तफा चिंतो कृष्ण दिनी कौन कौन भक्तता के की भावे वशीभूत होकर चाहे सूरदास इतनी सुंदर भजन लिए चाहे हमारे यहाँ एक प्रभु आ चाहे वही भजन टा तुम्हें गाई वे अपने सुनो वो भजन में तो की बोल चाहे
बजाओ तो मृदंग बजाओ बजा सकते हो सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची भूख लगने पर लोग खाते हैं लेकिन मेरे तो भूख ही नहीं
दूसरे जगह में खाते हैं, बोले कहाँ पर खाते हैं? अगर जिस काम के लिए आप जाओ, अगर वो काम बच जाएगा तब कोई लोग खा लेते, लेकिन हम जिस काम के लिए आए, पांडवों के लिए, पांच गांव के लिए, हमने गांव नहीं दिया, तीसरी जगह पर खाते हैं। अगर कोई किसका मित्र हो, यदि कई बार मित्र है ना सेकंड के लिए, आप भालोबास आते क्यों के लिए? दुर्योधन ने बोला तुम्हारे मित्र नहीं, बोले ना, बोले कहना, बोले पांडव हो हमारा भक्त, हमारा भक्त जरा मित्र तीनी हो लेना, हमारा मित्र जरा हमारा भक्त शत्रु हो हमारा शत्रु। अगर पांडव तेरे शत्रु है ना, तुम्हें हमारे तुम्हें बोले शत्रु हो ले तुम्हें हमें खाओ ना या नहीं खाऊंगा, बोले कहीं तो खाओगे, बोले जहाँ चाहे खा ही लूंगा। तब वो कहाँ पर गए? बोले विदुर जी को घर में गए, बोले विदुर नहीं थी विदुरानी, वहाँ पर विदुर जी नहीं थे, विदुरानी थी। ठाकुर जी को कहाँ बैठेगा, कैसे खिलाएगा? वो तो बाबरी बन गई भगवान हो करके मेरे घर में। ठाकुर जी आए, कहाँ विश्व ब्रह्मांड का मालिक, कहाँ बैठाए, क्या खिलाए? फिर उन्होंने केला ला करके केला कटा, केला तो फेंकते हुए जा रहे थे, केले की छिलका खिला से जा रहे थे, गला को फैल चलता छुपा गलो के खावा छे, और कृष्ण को आनंद खा छे, जो छुपा गलो का छे। एक ना मित्र हुआ ऐसे रे छे, बोले हे पानी तू की कर छी, बोले भगवान के खेला, केला तो फैल दिछो और कर छुपा गलो खावा छो। एक और ध्यान है, आगे तो एकदम प्रेम में तो विवर हो गई छो की खावा छे ना खावा छे, कर ज्ञानी छो ना भगवान प्रेम के से निकाल छिले। जहां बोले तू की खावा छे वो से तब हम ये कला के से खावा ते आरंभ करे। कृष्ण बोल छे विदुर आगे कोई कला चोपार में दे जी आनंद आछे कला स्वाद, ये कला में जो स्वाद आछे ना, करना हमें कला खाई ना कला चोपाव खाई ना तो प्रेम हो जाए। आप तो बोले प्रेमी भोजन करे, बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की। कृष्ण इज टेलिंग नाइदर आई टेक नॉर आई टेक, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन तिनि बोले केवल आप प्रेमी ग्रहण करी, मैं केला भी नहीं खाता हूँ, केले का छिलका भी नहीं खाता हूँ, मैं तो केवल प्रेमी खाता हूँ। इसलिए भगवान प्रेम के वशीभूत होकर के उन्होंने क्या किया, उनके केले के उन्होंने छिलका खाए ठाकुर जी। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं सत्य प्रसन्नी भगवान प्रेम को द्वारा जितने वशीभूत होते हैं कृष्ण, और किसी को द्वारा इतना वशीभूत नहीं होते। लेकिन प्रेम भी अलग अलग का प्रेम है, एक है सख्य प्रेम, एक है दास्य प्रेम, एक है वात्सल्य प्रेम और एक है मधुर प्रेम। प्रेम में भी भाग भाग है, ये अलग अलग प्रेम है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं कि यथा माम प्रबंधन चताम तथैव जो भक्त मेरे को जैसे भक्ति करता है मैं उसी की अनुरूप उनको प्रेम करता हूँ। जैसे पिछले मुझे दो तरह के भक्त हैं, एक ऐश्वर्य पर भक्त और एक माधुर्य पर भक्त है। लेकिन वो ऐश्वर्य पर भक्तों के द्वारा जितने वशीभूत होते हैं उससे ज्यादा वशीभूत होते हैं उनको जो माधुर्य पर भक्त। ऐश्वर्य माने जरा भगवान को भगवान मानते हैं, माधुर्य माने जो भगवान को भगवान नहीं मानते हैं, भगवान हमारे सखा है, भगवान हमारे छेले, गोपाल हमारे छेले, गोपाल कृष्ण होले हमारे प्रियतम, कृष्ण होले हमारे कांतम। ये प्रेम के कृष्ण चतुर्थ वशीभूत है ब्रज भक्ति से, अन्य कौन भक्ति में दे कृष्ण है तो वशीभूत है ना। लेकिन हमारे काल के स्वरूप काल की एकादशी आज है, काल की परिक्रमा करावे अतएव कल के हमारा सुन गो कृष्ण की भावे माधुर्य भक्त द्वारा विभाग वसूत है। आज के सुन ला कृष्ण ऐश्वर्य भक्ति द्वारा कत वसूत है, कल के सुन गो कृष्ण माधुर्य भक्ति द्वारा तिनी की करे तिनी वसूत हो छे। कल के सुन गो हमारे एक और कोई पटे जाओ सब ध्यान दे सुन बे, आज जब हम नौकर मध्य बसते जावे ना सबाई तो पार होवे, खिलाड़ी की करे तो लाभ है। हम तो विदेशी भक्तों ने जो हम कहते ना मायरा खेला खेला करे
ধীরে ধীরে যাবেন, ধীরে ধীরে লাইন করে বসবেন। আর একটা নৌকার মধ্যে বেশি বসে যাবেন না, বুঝতে পারছেন তো? ওদের নিয়ম আছে, বেশি বসলে মাঝখানে সমঝদার और उसमें जब 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 तब तब यहाँ का संगत रहे हो, जब ये लोग उतरेंगे, उतरते समय वो कितना आदमी को हम जीवित हैं उसी हिसाब से उसको पैसा देते हैं। हर नाम में कितने कितने लोग गए वहाँ, मैं कथा बोलूँगा उसको अपने पास चले आना, सीधा चले आना घाट में। घाट में आकर के एक पेपर पेपर पेन पेपर लेगी वहाँ पे संगत रहे हो दोनों, ठीक है? लेकिन कितने लोग एक एक नाव में बैठे उसी हिसाब से पैसा दे कर देते हैं, जितना ज़्यादा लोग है ना, पर मैं अपना हाथ से पैसा दूंगा। इसलिए वहाँ पर पूरा परफेक्ट जितना लोग होते उतना पैसा हम उसको दे देते हैं। इसलिए तुम दोनों आ जाना वहाँ, उसको लेकर तुम आ जाना, फटाफट आ जाना घाट पर। और नाव में कितने कितने लोग बैठे रहे उसके हिसाब से हम ले आना, कागज में लिख करके बढ़िया मैं हिसाब कर पैसा दूँगा। हाँ चलो ना, अपनारा वही मठे चलो, वही मठे तक दिए प्रसाद भी हमारा बैल मनी जाओ, माँ लक्ष्मी का से जाओ, ठीक है? अभी हम लोग चलो मैया लक्ष्मी को दर्शन करने के लिए जाएंगे बैलगढ़ में। हरे कृष्ण। ओ घोड़ा घोड़ा है ना।